हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फौज ना ये समझौता करवा दी, इंतजार आ रहा था, खौफ आया हुआ था। धरने वालों से फौज माहिदा ना कराती तो मुल्क में बड़ा इंतशार हो जाता। तरमीम में तमाम जमातों पर शिरकत का हुकूमती इल्जाम झूठ है, एहसन इकबाल एक्सपोज हो गए। इमरान खान के वजीर दाखिला पर लफ्जी वार, कहा क्या हल्फनामे में तरमीम इंटरनेशनल लॉबी को खुश करने के लिए की गई। जिम्मेदारों का तायुन हो जाए तो मामला जल्द हल हो जाएगा। कप्तान ने कबल वक्त इंतखाबात का मुतालबा भी दोहरा दिया। में आपको लोगों ने वजीर आजम मुंतखब नहीं किया तो इसमें हमारा क्या कसूर है? ये आप जाने और पाकिस्तान के बाप जाने। फलाना भी इस्तीफा दे दे, खान साहब पूरा मुल्क इस्तीफा दे दे, इंशाल्लाह आपकी बारी नहीं आएगी। इमरान खान जैसे लोग मुल्क में मायूसी फैला रहे हैं। कप्तान बताएं कि आवाम ने वजीर आजम नहीं बनाया तो इसमें हमारा क्या कसूर? पूरा मुल्क भी इस्तीफा दे दे तो इमरान खान की बारी नहीं आएगी। वजीर दाखिला एहसन इकबाल का चेयरमैन पीटीआई को जवाब, कहा कि इमरान खान हमें नहीं मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत में है, दूसरी कोई चॉइस नहीं। आइंदा इलेक्शन 2018 में ही होंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का कोल पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा यह मनसूबा नून लीग की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। पहली हुकूमत है जिसने मनसूबे शुरू करके तकमील तक पहुंचाए। कतरी शहजादे हमद बिन जासिम की भी तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का बाजौर एजेंसी में पाक अफगान सरहद का दौरा। पेशावर में फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के उलमा से मुलाकात। अमनो इस्तेहकाम के लिए फोर्सेस के साथ तआवुन जारी रखेंगे। उलमा की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान किसी रंग, नस्ल, फरके, कबीले या सूबाइयत का नहीं, सिर्फ पाकिस्तानियों का है। टूटी फूटी सड़कों पर बरसों से चलते तरक्याती काम और रोज रोज का ट्रैफिक जैम, सड़कें जेरे आब और सुनहरे सरकारी ख्वाब। आए रोज धरने और एहतजाज, शहरी टेंशन का शिकार। कराची का आजकल यही है हाल। सिंध हुकूमत की लापरवाही से सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल तारीख होने का खदशा। कराची में इस्लामिया कॉलेज की इमारत खाली कराने की नौबत आ गई। मामले पर तलबा का सख्त एहतजाज, धरना देकर न्यू एमए जिन्ना रोड को ब्लॉक कर दिया। अदालत ने किराया अदा न करने पर इमारत खाली करवाने का हुक्म दे रखा है। चाइना कटिंग और कब्जों ने शहर को बर्बाद कर दिया, मजीद खिलवाड़ की इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री रिफाही प्लॉट्स पर कब्जों के मामले पर बरहम। बल्दियाती इदारों को चाइना कटिंग के 35,000 प्लॉट्स 2 माह में वागुजार कराने का हुक्म। जमीनों से कब्जा खत्म कराने के लिए सिंध हुकूमत से कोई मदद नहीं मांगी गई। सूबाई वजीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल की वजाहत, कहा कि धरने वालों को भी वफाक की हुकूमत से मसला था। कराची ऑपरेशन में वफाक का कोई किरदार नहीं, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा।
हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। क्या हुकूमत गैर कानूनी तामीरात हटाने के लिए कोई मुआहदा करेगी और आखिर में कहेगी फौज बुला दें। मारगला हिल्स अस्खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, कहा हुकूमत शायद अदालत पर एतबार करने को तैयार नहीं। तारिक फजल साहब, आपको काम करना पड़ेगा, अदालती अहकाम को सास बनकर ना देखा करें। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस पर धरना पांचवें रोज भी जारी, रास्ता बंद, आवाम को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना। जहां हम चेयरिंग क्रॉस उतरते थे, अब हम इवान इकबाल उतर के पीआईए वाली साइड से आ रहे हैं और ऑफिस से भी लेट होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह बादलों में पूरा राउंड वाइज करके फिर उस जगह पे पहुंचते हैं, सवारी भी लेट होती है और हमें भी प्रॉब्लम होती है। एक घंटा लगे घर से यहाँ तक आने में और पहले दाएं गए हैं फिर बाएं गए हैं, लेकिन कोई इनको समझाने वाला है ही कोई नहीं है। वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ असासा जात रेफरेंस में शिकंजा कसने लगा। एहतसाब अदालत ने इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। 10 रोज में पेश होने के लिए इश्तिहार चस्पा 4 दिसंबर तक पेशी की आखिरी मोहलत दे दी। शहजादा हमद बिन जासिम की कयादत में 13 रुकनी कतरी वफ्द की लाहौर में नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से मुलाकात। कतरी वफ्द का कहना है कि नून लीग की पॉलिसियों की वजह से कतर ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के बैनर्स और झंडे उतारने पर बिलावल बरहम, कहा जब जम्हूरी हक छीना जाता है तो फिर दमादम मस्त कलंदर होता है, हुकूमत होश के नाखून ले। नून लीग पर 5 दिसंबर के जलसे में रुकावटें डालने का इल्जाम भी आयद कर दिया। ओगरा की एक बार फिर आवाम पर बोझ डालने की तैयारी, पेट्रोल की कीमत में 1.5 रुपए इजाफे की तजवीज पेश कर दी। मक्की का तेल भी 15 रुपए बढ़ाने का मशवरा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए समरी हुकूमत को अरसाल। इस्लामाबाद के सेक्टर I-8 में इमाम बारगाह के करीब मोटरसाइकिल सवार अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी, पिम्स अस्पताल मुंतकिल। साबिक वजीर दाखिला बलोचिस्तान गुजैन मरी को रिहा कर दिया गया। दहशतगर्दों की सहूलतकारी के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी जमानत मंजूर की थी। मुंबई हमला केस में 27 गवाहों का बयान रिकॉर्ड करने के लिए भारत से राबता किया मगर भारत ने जवाब न दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सेक्रेटरी खारजा और तर्जुमान दफ्तर खारजा का जवाब समाज 6 दिसंबर तक मुलतवी। सऊदी अरब में करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार शहजादा मुताब बिन अब्दुल्ला को रिहा कर दिया गया। $1 अरब वापस करने के समझौते पर रिहाई अमल में आई, मजीद 3 अफराद से रिहाई के लिए डील हो गई, मगरबी मीडिया का दावा। पाबंदियां और धमकियां नजरअंदाज, शमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का एक और तजुर्बा कर लिया। मिसाइल 1000 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद जापानी समुद्री हदूद में जा गिरा। शिमाली कोरिया के मिसाइल तजुर्बे पर सलामती काउंसिल का इजलास तलब, सूरतेहाल पर अमरीकी सदर और जापानी वजीर आजम की टेलीफोन पर बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं शिमाली कोरिया से सख्ती से निपटेंगे, जनूबी कोरिया का फौज को तैयार रहने का हुक्म। हजारों बोस्नियाई मुसलमानों के कत्ल में मुलव्वे स्लोबोडॉन पर अलजाक की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद, भरी अदालत में जहर पी लिया। अल्जीरिया
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। बुलेटिन का आगाज करेंगे कराची की सूरत हाल से, जिसे दुनिया का 10वां बड़ा शहर कहा जाता है, लेकिन आज इस शहर की हालत अबतर हो चुकी है। मिनी पाकिस्तान कहलाने वाला शहर आवाम के लिए दर्दे सर बन गया है, और अगर कराची को मसाइलिस्तान का नाम दिया जाए तो गलत ना होगा। तहकियाती काम हो या इंतजामिया की नाअहली, असल में सारा दुख तो आवाम को ही झेलना पड़ता है। कराची की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जाम भी आवाम के लिए परेशानी का बाइस है। दुनिया का 10वां बड़ा शहर कराची, जो कहलाता है मिनी पाकिस्तान, लेकिन जैसे बन गया हो आवाम के लिए मसाइलिस्तान। मुल्की तरक्की में कराची का किरदार तो शहर के मुतरादिफ है, लेकिन उसके मसाइल को देखने वाला कोई नहीं। तरक्की याफ्ता शहर में धूल मट्टी गर्दो गुबार और ट्रैफिक जैम। शहर कायद के बासी रोज ये सब झेलने पर मजबूर हैं। इस धूल की वजह से इंतहाई सीने की बीमारी है और जुकाम खांसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मिट्टी और गर्द गुबार इतना हो गया कि बीमारी की बीमारी दिन ब दिन फैली जा रही। कहीं वाटर बोर्ड की मेहरबानी से पानी सड़कों पर नजर आता है, तो कहीं हुकाम की कोशिशों से सड़कें खुद ही दिखाई देती हैं। ड्रिग रोड पुल का हाल ही देख लीजिए, जिसकी तामीर के लिए 3 माह मांगे गए थे, लेकिन अब तक इसकी ड्रिलिंग भी मुकम्मल ना हो सकी। जो ये ब्रिज है इसको तो हटा ही देना चाहिए, बजाय इसके कि ओवरराइड करके ब्रिज उस साइड से निकाल लें, ताकि ये बीच में जो इंटरप्शन आती है वो बड़ा पब्लिक के लिए डेंजर साबित हो जाती है। पंजाब चौरंगी पर अंडरपास की तामीर ने भी शहरियों का जीना दूभर कर रखा है। शहर भर में कहीं तामीराती काम तो कहीं इंतजामिया की गफलत जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम रोज का मामूल है। गंदगी हो जाए या गटर खुल जाए, सड़क बन जाए या गड़ा खोदा जाए, हुकाम की नाअहली झेलते हैं सिर्फ और सिर्फ कराची के आवाम। कराची की अबतर सूरत हाल आपने जानी, दूसरी तरफ अदालत उज़्मा को भी इसी सूरत हाल ने परेशान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बल्दियाती इदारों को चाइना कटिंग के 35,000 प्लॉटों को वागुजार कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस गुलजार कहते हैं कि कराची को चाइना कटिंग और कब्जों ने बर्बाद कर दिया, अब कराची से मजीद खिलवाड़ नहीं करने देंगे। कराची में रफाही प्लॉटों पर कब्जे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट सख्त बरहम। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में रफाही प्लाटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क दिए कि कराची को चाइना कटिंग और कब्जों ने बर्बाद कर दिया, कोई जगह न छोड़ी, शहर से तजावजात खत्म करें, कराची के मुस्तकबिल का सोचें, खुदा का खौफ करें। अयूब खान के जमाने में तजावजात के खिलाफ आखिरी कार्रवाई हुई। कराची साफ हो गया था, यूरोप का शहर लगता था, लोग लंदन के बजाय कराची आते थे। क्या हमें बताना पड़ेगा कि आपकी क्या जिम्मेदारी है? अदालत ने ओरिजिनल मास्टर प्लान की रोशनी में रफाई प्लाटों की तफसीलात तलब कर ली, जिसमें इंकशाफ हुआ कि 35,000 प्लाटों की चाइना कटिंग की गई। अदालत ने कहा बहुत हो गया, अब कराची के साथ मजीद खिलवाड़ की इजाज़त नहीं देंगे, तमाम रफाही प्लाटों की अलाटमेंट फौरी मनसूख की जाए, चाइना कटिंग के प्लाट हर सूरत खाली कराए जाएंगे। KDA, KMC और DMC अपने इलाकों में कार्रवाइयां करें। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने KMC अफसरान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप लोगों ने गैर कानूनी अलॉटमेंट की प्रैक्टिस बना ली है, आपकी टीम जहां जाती है तजावजात में इजाफा हो जाता है। दूसरी तरफ इस्लामिया कॉलेज की इमारत को ट्रस्ट के हवाले करने के मामले ने भी शहरियों को परेशान कर रखा है, और तलबा भी मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। कराची के मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन एक नया मसला इस्लामिया कॉलेज का भी सामने आ गया है। सिंध सरकार ने सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल दांव पर लगा रखा है।
अरब इस्लामिया कॉलेज की इमारत भी खाली करने की नौयत आ पहुंची। सूबाई हुकूमत के नोटिस न लेने पर तलबा सड़कों पर निकल आए और न्यू एम ए जिना रोड को ब्लॉक कर दिया। तालीम का मुस्तकबिल है हमारा और तमाम कॉलेजों का हमारा मुस्तकबिल है। तालीम नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, इसलिए इस कॉलेज से हमारा फ्यूचर जुड़ा है, हमारे मुस्तकबिल का सवाल है, इसलिए हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। दूसरी जानिब कॉलेज इंतजामिया की जानिब से दायर दरखास्त पर सेशन कोर्ट ने पीठ तक हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए मुतालिका इदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। इससे कबल सीनियर सिविल जज ने सिंध हुकूमत की जानिब से किराया अदा न करने पर इमारत फिलफौर खाली करने का हुक्म दिया था। सिंध के वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल से मीडिया से गुफ्तगु के दौरान जब कराची की सूरत हाल पर सवाल किया गया तो उनका कहना यह था कि ज़मीनों से कब्ज़ा ख़त्म कराने के लिए सिंध हुकूमत से कोई मदद नहीं मांगी गई, कराची ऑपरेशन में वफाक का कोई किरदार नहीं, आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। फेडरल गवर्नमेंट जो है हर चीज़ में नाकाम है, कराची ऑपरेशन में हमेशा दावा करते हैं उसमें भी फेडरल गवर्नमेंट का कोई इनपुट नहीं है। ये सारी नाकामियां जो है नून लीग की है, ना अल साबका वजीर आजम साहब उन्होंने कहा था कराची ऑपरेशन शुरू होने से पहले 50% जो है एक्सपेंडिचर जो है फेडरल गवर्नमेंट भरेगी, 50% प्रोविंशियल गवर्नमेंट भरेगी। कराची ऑपरेशन की मद में एक रुपया भी फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दिया, फेडरल गवर्नमेंट ने इसमें कोई रोल प्ले नहीं किया है। ये रोल पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान सिंध रेंजर्स ने, सिंध पुलिस ने, हमारी सिंध गवर्नमेंट ने। हाँ मैं मानता हूँ कि मुकम्मल जो है हमने कंट्रोल अभी नहीं किया, कंटिन्यूसली स्ट्रीट क्राइम जो है 2013 से बिलो आ रहा है। अगर केडीए हमसे मदद मांगी है और नहीं दी गई है तो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। फेडरल गवर्नमेंट के साथ उनका एक इशू चल रहा था, जमहूरियत में एहतजाज हर किसी का हक है, हाँ लेकिन एक क्राइटेरिया होना चाहिए। और इस वक्त हमारे नुमाइंदे वकास खान शहर में मौजूद हैं, उनसे कराची के ट्रैफिक का हाल जानते हैं। वकास बताइएगा कौन सी सड़क पर आप मौजूद हैं इस वक्त, क्या सूरत हाल है सड़कों की? जी बिल्कुल, कराची के वासियों को जो सबसे ज़्यादा अजियत आजकल मिल रही है वो है ट्रैफिक जाम की सूरत हाल। कराची के बहुत से ऐसे मुकामात हैं जहां पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल रोज़ाना होती है, शहरियों को कई घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसा रहना पड़ता है। शाम के होने के बाद जो सबसे ज़्यादा लोग अजियत का शिकार रहते हैं उसकी वजह ये होती है कि दफातर की छुट्टी होती है, लोग घरों की जानिब जा रहे होते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस भी बहुत से ऐसे मुकामात पर होती है जहाँ पर ट्रैफिक जाम होती है लेकिन वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर रोज़ाना ट्रैफिक जाम होती है लेकिन उसके लिए कोई भी एक्सर देखने में नहीं आता कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई इकदाम सामने आए ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर तामीराती काम भी हो रहा है सड़कों के ऊपर जिसकी वजह से भी ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक पुलिस वहां पर मौजूद नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए ताकि ट्रैफिक जाम ना हो और लोग अजियत का शिकार ना हो। कराची के शहरियों का ये कहना है कि रोज़ाना का मामूल है कि वो घंटों तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं। जी कराची की सूरत हाल तो आपने जानी, न्यूज़ शो में अभी बात करेंगे इमरान खान की जिन्होंने धरना ख़त्म कराने के लिए मुआहदे की हिमायत कर दी है। उनका कहना है कि अगर फौज मुआहदा न कराती तो मुल्क में बड़ा इंतशार होने वाला था। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि वजीर कानून ने दो बार असम्बली में कहा कि तरमीम नहीं की गई, क्या हल्फनामे में तरमीम इंटरनेशनल लॉबी को खुश करने के लिए की गई? उन्होंने नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए एक बार फिर फौरी इलेक्शन का मुतालबा किया और कहा कि हुकूमत मफलूज हो चुकी और मौजूदा सूरत हाल का वाहिद हल कबल अज़ वक्त इंतखाबात हैं। दो दफा लॉ मिनिस्टर ने असेंबली में कहा कि कोई अमेंडमेंट नहीं हुई और जब फिर ये सारा कुछ जब एकदम चीज फटी तो कोई इसको डिफेंड करने वाला नहीं था। प्राइम मिनिस्टर जब वो सारा कुछ इंतजार हो रहा था तो प्राइम मिनिस्टर बजाय मुल्क को लीडरशिप दे, वो जाके रायवंड में कदमे में बैठ गया एक करप्ट नाहिल प्राइम मिनिस्टर के। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर ये फौज ना ये समझौता करवाती इस मुल्क पे इतना बड़ा इंतजार आ रहा था, हम सबको खौफ आया हुआ था। मैंने दो नफल पड़े सुबह उठ के जब पता चला कि ये मसला हल हो गया, ये बड़ा सीरियस मसला फैलने लगा था कि कौन जिम्मेदार था इसका, किसने ये कानून चेंज करने की कोशिश की, क्या ये जायद हामिद ने अपने तौर पे की, क्या ये और किसी ने चुप करके ऐड कर दिया किसी को पता ही नहीं चला, या ये एक इंटरनेशनल लॉबी को खुश करने के लिए जिस तरह डॉन लीग्स इंडियन लॉबी के लिए वो सारा किया गया था ड्रामा। अब ये भी सारों को ये खदशा बढ़ता जा रहा है कि ये एक लॉबी को अपने साथ मिलाने के लिए सारी कोशिश की गई है। और मैं आज नैब को कहना चाहता हूँ कि ये जो एहसन इकबाल नून लीग का अरिस्तो, इसका भी जरा चेक करें, इसका भी काम है सऊदी का, इसका भी पता चलेगा कौन सी कंपनीज है।
इमरान खान की मीडिया से गुफ्तगू के बाद वफाकी वजीर दाखला एहसन इकबाल भी बरस पड़े। उन्होंने इमरान खान को सख्त जवाब दिया और कहा इमरान खान हर वक्त तीली लेकर पेट्रोल की तलाश में रहते हैं लेकिन वो अपने मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। इस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि 4.5 साल गुजर गए लेकिन उनका रोना धोना खत्म नहीं हुआ। उनका कहना था कि अगर आईनी तरमीम इंटरनेशनल लॉबी के कहने पर हुई तो इमरान भी उसका हिस्सा हैं। इमरान खान साहब की जमात उस इलेक्शन एक्ट के तमाम अमल का हिस्सा थी जिसके ऊपर आज ये तकरीर फरमा रहे थे कि पता नहीं कौन सी इंटरनेशनल लॉबी के कहने के ऊपर वो तब्दीली की गई। अगर किसी इंटरनेशनल लॉबी के कहने पे वो तरमीम की गई तो आप भी उसी इंटरनेशनल लॉबी का फिर हिस्सा हैं। आपकी सियासत के उस्ताद हैं शेख रशीद साहब, उनको मुस्लिम लीग नून ने अपना एक नुमाइंदा हटा के उनके लिए जगह बनाई, वो भी उस कमेटी में शरीक है। हकीकत यह है कि आपने भी आज पाकिस्तान की सियासत के वो सारे करप्शन के मगरमच्छ अपनी छतरी के नीचे जमा कर लिए, तो आप किस मुंह के साथ कौम को या मुस्लिम लीग नून की क्यादत को करप्शन के ताने देते? ये जमहूरियत का मिजाज नहीं है और ये उस लिबरलिज्म की नफी है जिसका आप प्रचार करते हैं कि मैं बड़ा मगरब में रहा और मगरब में मैंने ये सीखा और वो सीखा। खान साहब, आपने तो अपने क्रिकेट के कैरियर से भी कुछ नहीं सीखा। जिस दिन से आप हारे हैं उस दिन से रो रहे हैं। 4.5 साल का अरसा गुजर चुका है। बेहतर यह है कि आप भी इन 6 महीनों में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तरफ तवज्जो दें। 4.5 सालों में आप नए पाकिस्तान का एक खिड़की या एक दरवाजा भी नहीं बना सकते। खान साहब जो है वो तानेबाजी में लगे हुए हैं और खान साहब जो है ये वो फसादियों की तरह माचिस लेके हर वक्त इस सू में रहते हैं कि कहीं कोई पेट्रोल की मुझे बू आए तो मैं वहां जाके आग लगाऊं। खान साहब ग्रो अप, क्या हुआ? 2 नफल शुक्राने के पड़े मैंने। खान साहब जब आपका धरना खत्म हुआ था तो कौम ने 100-100 नफल शुक्राने के पड़े। इमरान खान के मुतालिबे पर एहसन इकबाल ने क्या कहा ये तो आपने जान लिया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शाहिद काकान अब्बासी ने भी ये वाज़ेह कर दिया है कि आइंदा इलेक्शन 2018 ही में होंगे। मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत में है, दूसरी कोई चॉइस मौजूद नहीं। वो कराची में कोल पावर प्लांट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे। द इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन अगस्त नेक्स्ट ईयर एंड व्हाटएवर गवर्नमेंट कम्स विल हैव टू कंटिन्यू एट द सेम पेस विद द सेम पर्पस, सिंगल माइंडेड पर्पस टू अचीव ग्रोथ फॉर पाकिस्तान एंड डिलीवर अ बेटर पाकिस्तान टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आवर फ्यूचर लाइज इन डेमोक्रेसी। There are no choices here. और अब बात करते हैं लाहौर की, जहां चेयरिंग क्रॉस माल रोड पर धरना 5वें रोज भी जारी है। धरने के बाईस माल रोड ब्लॉक होने से जहां दुकानदार परेशान हैं, वहीं ट्रैफिक ब्लॉक होने की वजह से शहरी भी अजियत में मुब्तला है। फैजाबाद धरना तो खत्म हो गया मगर माल रोड लाहौर पर दिया गया धरना 5वें रोज भी जारी है। पंजाब असेंबली के सामने चेयरिंग क्रॉस पर धरने की वजह से अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भर गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत और धरने वालों की जिद की चक्की में शहरी पिस रहे हैं। जहां हम चेयरिंग क्रॉस उतरते थे अब हम इवान इकबाल उतर के पी आई वाली साइड से आ रहे हैं और ऑफिस से भी लेट होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह बादलों में पूरा राउंड वाइज करके फिर उस जगह पे पहुंचते हैं, सवारी भी लेट होती है और हमें भी प्रॉब्लम होती है। धरने की वजह से जहां शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है, वहीं मार रोड के दुकानदार भी नाला दिखाई देते हैं। कहते हैं कि आए रोज के धरने और एहतजाज उनके लिए वबाले जान बने हुए हैं। कारोबार पे काफी असर हुआ है, मतलब कस्बा आ नहीं रहा, रस्ते बंद हैं सारे और हुकूमत को चाहिए इनसे मुज़ाकरा करे और जो उनके मुतालबे हैं जायज़ माने। कारोबार तो डेफिनेटली इस पे डिस्टर्ब हो चुका है काफी और मजीद हो रहा है। वज़ीरे आला पंजाब की हदायत पर धरने के दौरान गिरफ्तार किए गए 450 से ज़ायद मजहबी जमात के रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा किया जा चुका है। तहम धरने के शुरका कहते हैं कि जब तक उनके तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते एहतजाज जारी रखेंगे। उधर साबिक गवर्नर पंजाब और पीपी रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा है कि हलफनामे में तब्दीली की जिम्मेदार सिर्फ जाहिद हामिद नहीं बल्कि पूरी काबीना है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि नवाज शरीफ की तरह वुजरा भी झूठ बोलने के माहिर हैं। वजीर कानून जाहिद हामिद साहब कहते हैं इसमें तो कोई तब्दीली की ही नहीं गई है।
झूठ बोला पार्लियामान में, जिस तरह वजीर आजम नवाज शरीफ पार्लियामान में झूठ बोलने के माहिर हैं, उसी तरह उनके वजरा भी झूठ बोलने पर उतनी ही महारत और कुदरत रखते हैं। ये कहते हैं आप कि जी ये सहवन हो गया। अरे बाबा, ये कैसे सहवन हो सकता है? और वजीर कानून का ये सहवन हो रहा है, वो वजीर कानून कहता है मैं तो बेगुनाह मान ने किया है, अनुषा किसी और पर डालेगी, ये एक दूसरे पर फेंक रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क दिए कि क्या गैर कानूनी तामीरात हटाने के लिए भी धरने की तरह मुआयदा किया जाएगा। अदालत ने मारगला हिल्स पर दरख्तों की कटाई के खिलाफ कार्रवाई ना होने पर बरहमी का इजहार किया। जजेस ने रिमार्क दिए कि सियासत के अलावा भी हुकूमत की कई जिम्मेदारियां हैं। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन क्यों नहीं हुआ? दरख्तों की कटाई के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? अदालती हुक्म पर अमल दरामद न होने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त बरहम। जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने मारगला हिल्स में दरख्तों की कटाई से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत की। वजीर मुमलिकत बराए कैद तारिक फजल चौधरी अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए के हुकुम पर अमल दरामद नहीं हुआ। मुल्क में विफाकी हुकूमत की रिट कहीं नजर नहीं आ रही। जो काम नहीं कर सकते वो मुस्ताफी हो जाएं। वकील ने तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन न होने की वजह फैजाबाद धरने में पुलिस की तैनाती को करार दिया। जस्टिस एजाजुल अहसन ने रिमार्क्स दिए, जहां पुलिस थी वहां क्या कर लिया? क्या तजावुजात हटाने के लिए भी धरने की तरह मुआहदा होगा? आखिर में हुकूमत फौज को बुलाने का मुतालबा करेगी। जस्टिस शेख अजमत ने कहा कि सियासत के अलावा भी हुकूमत की कई जिम्मेदारियां हैं। बे एहतियाती रियासत की सेहत के लिए अच्छी नहीं। तारिक फजल चौधरी ने